18वीं शताब्दी में स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्य। मुगल साम्राज्य के कमजोर होने के साथ साथ स्थानीय राजनीतिक और आर्थिक शक्तियां सिर उठाने लगीं और अपना दबाव बढ़ाने लगीं। जहां हमें 17वीं सदी के अंत और उसके बाद की राजनीति में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलता है, तो वहीं 18वीं सदी के दौरान बिखरते मुगल साम्राज्य और उसकी खंडित राजनीतिक व्यवस्था पर बड़ी संख्या में स्वतंत्र और अर्धस्वतंत्र शक्तियां उठ खड़ी हुईं, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, केरल और मराठा इत्यादि राजशाही। वस्तुतः अंग्रेजों को भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन्हीं ताकतों पर विजय प्राप्त करनी पड़ी। इनमें से कुछ राज्यों जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद को उत्तराधिकार वाले राज्य कहा जा सकता है, जिसकी चर्चा हम अपने पिछले एपिसोड में कर चुके हैं। जबकि मराठा, अफगान, जाट और पंजाब जैसे राज्यों का जन्म मुगल शासन के खिलाफ स्थानीय सरदारों, जमींदारों व किसानों के विद्रोह के कारण हुआ था। लेकिन एक तीसरा क्षेत्र भी था। इनमें दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व के समुद्री किनारों के इलाके और उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र शामिल थे, जहां पर किसी भी रूप में मुगल प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानी रैबिट के बैनर तले आजादी की ओर। तो आइए हम चलते हैं इस सीरीज के अगले एपिसोड की ओर, जहां हम आधुनिक भारत के इतिहास में मुगल साम्राज्य के विघटन के समय स्वतंत्र क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में मैसूर और केरल राज्यों के संबंध में क्या कुछ घटित हुआ है, इसको जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैसूर। दक्षिण भारत में हैदराबाद के पास हैदर अली के अधीन जिस सबसे महत्वपूर्ण सत्ता का उदय हुआ, वह मैसूर था। विजयनगर साम्राज्य के अंत होने के समय से ही मैसूर राज्य ने अपनी कमजोर स्वाधीनता को बनाए रखा और नाम मात्र के लिए मुगल साम्राज्य का अंग बना रहा। 18वीं सदी के प्रारंभ में नन्न राज अर्थात सर्वाधिकारी और देवराज अर्थात दुलवई नाम के दो मंत्रियों ने मैसूर के राजा चिक्का कृष्णराज को कठपुतली बनाकर राज्य की सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली थीं। मूलतः चिक्का कृष्णराय वोडियार वंश से संबंधित था। इसी समय 1721 ईस्वी में हैदर अली का जन्म हुआ और घुड़साला में काम करने के लिए भर्ती हुआ। वहां पर रहते हुए उसने युद्ध के कर्तव्य सीखे, जैसे घुड़सवारी करना, तलवार चलाना आदि, और फिर एक सैनिक के रूप में भर्ती हुआ। यह एक योग्य और ऊर्जावान कमांडर बना और कुछ ही समय में यह सेना का प्रधान सेनापति बन गया। सारी सेनाएं इसके नियंत्रण में आ गईं और उस समय मैसूर के शासक को एक योग्य, ऊर्जावान व अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता थी, जो हैदर अली में दिखाई दे रहा था। तब राजा ने हैदर अली को मैसूर का शासक घोषित कर दिया और फिर हैदर अली ने मैसूर का विकास करना शुरू किया। वह शिक्षित तो नहीं था, परंतु बुद्धि और प्रतिभा का धनी होने के साथ अत्यंत परिश्रमी, लगनशील, साहसी व दृढ़ निश्चयी था। वस्तुतः मैसूर राज्य 20 साल तक युद्ध में उलझा रहा। इस दौरान हैदर अली को जो भी मौका मिला उसने उसका लाभ उठाया और जल्द ही उसने पश्चिमी सैनिक प्रशिक्षण के महत्व को पहचान लिया और जो सैनिक उसके अधीन थे उनको आधुनिक प्रशिक्षण दिलवाया। फ्रांसीसी विशेषज्ञ के द्वारा सैनिक शक्ति को आधुनिक बनाने के लिए हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया और फिर 1761 ईस्वी में नंजराज को सत्ता से बेदखल कर मैसूर राज्य पर अपना अधिकार कायम कर लिया। राजा बनते ही अपने विरुद्ध हो रहे योद्धा सरदारों और जमींदारों के विद्रोहों को उसने नियंत्रित कर लिया और इस क्रम में इसने बिदनूर, सुदा, सेदा, कन्नड़ और मालाबार के इलाकों को जीत लिया। वस्तुतः मालाबार को अपने अधीन करने का मुख्य कारण ये था कि वह भारतीय समुद्र तट तक अपनी पहुंच बनाए रखना चाहता था। मैसूर जब कमजोर और विभाजित राज्य था तब उसने उस पर कब्जा किया
और शीघ्र ही उसके कारण इस राज्य की गिनती प्रमुख भारतीय शक्तियों में की जाने लगी। वह धार्मिक सहिष्णुता की नीति पर चला। उसका पहला दीवान और अन्य अधिकारी हिंदू थे। अपनी सत्ता के लगभग आरंभ से ही वह मराठा सरदारों, निजाम और अंग्रेजों के साथ लड़ाई में लगा रहा। प्रथम मैसूर युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के बीच 1767 से 1769 ईस्वी तक चला, जिसका कारण मद्रास में अंग्रेजों की आक्रामक नीतियां थीं। वह 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुआ। पिता की मृत्यु के बाद उसका बेटा टीपू गद्दी पर बैठा। अंग्रेजों के हाथों 1799 में मारे जाने तक टीपू सुल्तान ने मैसूर पर शासन किया। वह कुशल चरित्र वाला और नए विचारों को ढूंढ निकालने वाला व्यक्ति था। इस क्रम में इनके द्वारा नए कैलेंडर को लागू करना, सिक्का ढलाई की नई प्रणाली को काम में लाना और माप तोल के नए पैमाने को अपनाना, संभवतः समय के साथ अपने आप को बदलने की महत्वाकांक्षा के प्रतीक समान थे। उसके निजी पुस्तकालय में धर्म, इतिहास, सैन्य विज्ञान, औषधि विज्ञान और गणित जैसे विविध विषयों की पुस्तकें थीं। उसने फ्रांसीसी क्रांति में गहरी दिलचस्पी ली। उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष लगाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया। उसकी सांगठनिक क्षमता का प्रमाण यह है कि जिन दिनों में भारतीय फौजों के बीच अनुशासनहीनता आम थी, उसके सैनिक अंत तक अनुशासित और उसके प्रति वफादार रहे। उसने जागीर देने की प्रथा को खत्म करके राजकीय आय बढ़ाने की कोशिश की। उसने पोलीगारों की पैतृक संपत्ति को कम करने और राज्य व किसानों के बीच के मध्यस्थों को समाप्त करने की भी कोशिश की, मगर उसका भू राजस्व उतना ही ऊंचा था जितना अन्य समसामयिक शासकों का। वह पैदावार का एक तिहाई हिस्सा तक भू राजस्व के रूप में लेता था, मगर उसने अब्वाबों की वसूली पर रोक लगा दी। वह भू राजस्व में छूट देने में भी उदार था। उसकी पैदल सेना यूरोप की शैली में बंदूकों और संगीनों से लैस थी, लेकिन इन हथियारों को मैसूर में ही बनाया गया था। 1790 से 1792 लेकर तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध दक्षिण भारत में मैसूर साम्राज्य, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, त्रावणकोर साम्राज्य, मराठा साम्राज्य और हैदराबाद के निजाम के बीच एक संघर्ष था, जहां अंग्रेजों ने त्रावणकोर का साथ दिया और मैसूर पर आक्रमण कर दिया। टीपू की बढ़ती शक्ति से ईर्ष्या रखने वाले निजाम एवं मराठा अंग्रेजों से मिल गए। वर्ष 1790 में टीपू सुल्तान ने जनरल मीडोस के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना को हराया, लेकिन वर्ष 1791 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश सेना का नेतृत्व संभाला और बड़े सैन्य बल के साथ अम्बूर एवं वेल्लोर होते हुए बैंगलोर, फिर वहां से श्रीरंगपट्टनम तक पहुंचा और अंत में मराठों एवं निजाम के समर्थन के साथ अंग्रेजों ने दूसरी बार श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया। टीपू ने अंग्रेजों का डटकर सामना किया, परंतु सफल नहीं हो सका। वर्ष 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ। अंग्रेजों को घेरने के लिए 1796 के बाद उसने एक आधुनिक नौसेना खड़ी करने की भी कोशिश की थी। इसके लिए उसने दो नौकाघाट बनवाए व जहाजों के नमूने स्वयं तैयार कराए। अपने व्यक्तिगत जीवन में वह एकदम सादा था। उसे किसी प्रकार का व्यसन नहीं था और विलासिता से वो कोसों दूर रहता था। वह एक साहसी योद्धा था और अत्यंत प्रतिभाशाली सेनानायक था। उसकी यह अत्यंत प्रिय उक्ति थी कि 100 दिन भेड़ की तरह जीवन जीने से बेहतर है एक दिन शेर की तरह जीवन जीना। इसी विश्वास का पालन करते हुए वह श्रीरंगपट्टनम के द्वार पर लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। यह आंग्ल मैसूर के हुए युद्धों में चौथी और अंतिम लड़ाई थी। अंग्रेजों ने मैसूर की राजधानी पर कब्जा कर लिया और ओडेयर राजवंश को मैसूर सिंहासन पर बहाल कर मैसूर पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया। टीपू सुल्तान के युवा उत्तराधिकारी फतेह अली को निर्वासन में भेज दिया गया। इस प्रकार मैसूर साम्राज्य ब्रिटिश भारत के साथ सहायक गठबंधन में एक रियासत बन गया।
और कोयम्बटूर दक्षिणी कन्नड़ और उत्तर कन्नड़ अंग्रेजों को सौंप दिया गया। लेकिन हर काम में वह जल्दबाजी करता था और उसका स्वभाव स्थिर नहीं था। एक राजनीतिज्ञ के रूप में 18वीं सदी के किसी भी शासक की तुलना में वह दक्षिण भारत के लिए या दूसरे भारतीय शासकों के लिए अंग्रेजी राज के खतरे को बहुत अच्छे से समझता था। उदीयमान अंग्रेजी सत्ता के समक्ष वह दृढ़ निश्चयी शत्रु के रूप में जीवन पर्यंत खड़ा रहा और अंग्रेज भी भारत में उसको अपना सबसे खतरनाक दुश्मन समझते थे। हालांकि मैसूर उस जमाने के आर्थिक पिछड़ेपन के दोष से मुक्त नहीं था, लेकिन हैदर अली और टीपू के राज्यकाल में वह आर्थिक रूप से खूब फला फूला। यह इस तथ्य से अधिक स्पष्ट हो जाता है जब हम उसकी आर्थिक स्थिति की तुलना निकट अतीत से या उस समय में देश के अन्य राज्यों से करते हैं। 1799 में ब्रिटिश लोगों ने जब टीपू को पराजित कर उसे मार डाला और मैसूर पर कब्जा कर लिया, तो यह देखकर उनको आश्चर्य हुआ कि मैसूर का किसान ब्रिटिश शासित राज्य मद्रास के किसान की तुलना में कहीं अधिक संपन्न और खुशहाल था। सर जॉन शोर 1793 से 1798 के दौरान गवर्नर जनरल था। उसने बाद में लिखा था कि टीपू के राज्य के किसानों को संरक्षण मिलता था और उनको श्रम के लिए प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जाता था। टीपू सुल्तान के जमाने के मैसूर के बारे में एक अन्य ब्रिटिश पर्यवेक्षक ने लिखा था, यह राज्य खेतीबाड़ी में उन्नत, परिश्रमी लोगों की घनी आबादी वाला, नए नए नगरों वाला और वाणिज्य व्यापार में विकसित था। लगता है कि आधुनिक व्यापार और उद्योग के महत्व को भी टीपू अच्छी तरह समझता था। वास्तव में भारतीय शासकों में यही एकमात्र शासक था जो आर्थिक शक्ति के महत्व को सैनिक शक्ति की नींव मानता था। भारत में आधुनिक उद्योगों की शुरुआत के लिए उसने थोड़े बहुत प्रयास किए। इसके लिए उसने विदेशों से कारीगर बुलाए और कई उद्योगों को उसने राज्य की ओर से सहायता दी। विदेश व्यापार के विकास के लिए उसने फ्रांस, तुर्की, ईरान और पेरू में दूत भेजे। चीन के साथ भी उसने व्यापार किया। यूरोपीय कंपनियों के ढांचे पर उसने व्यापारिक कंपनी स्थापित करने का भी प्रयास किया और साथ ही वाणिज्य संबंधी गतिविधियों की नकल करने की कोशिश की। बंदरगाह वाले नगरों में व्यापारिक संस्थाएं स्थापित करके उसने अरब के साथ व्यापार बढ़ाने का प्रयत्न किया। कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों ने टीपू को धार्मिक उन्मादी के रूप में चित्रित किया है। यद्यपि अपने धार्मिक दृष्टिकोण में वह काफी रूढ़िवादी था, लेकिन दूसरे धर्मों के प्रति उसका दृष्टिकोण सहिष्णु और उदार था। 1791 ईस्वी में मराठा घुड़सवारों ने श्रृंगेरी के शारदा मंदिर को लूटा तो उसने मां शारदा की प्रतिमा बनवाने के लिए दान दिए। वह नियमित रूप से इस मंदिर और इसके साथ कुछ और मंदिरों को भेंट दिया करता था। केरल 18वीं सदी के शुरू में केरल बहुत बड़ी संख्या में सरदारों और राजाओं में बटा हुआ था। इनमें से चार प्रमुख राज्य इस प्रकार थे, कालीकट, चिरक्कल, कोचीन और त्रावणकोर। त्रावणकोर राज्य को 18वीं सदी के एक अग्रणी राजनेता राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में प्रमुखता मिली। उसमें विलक्षण दूरदर्शिता, दृढ़ संकल्प और साहस के साथ निर्भीकता का सामंजस्य था। इस क्रम में उन्होंने अपने विरुद्ध विद्रोही सामंतों को शांत कर दिया और क्विलोन व इलायादाम को जीत लिया। फिर डच लोगों को हराकर केरल में उनकी राजनीतिक सत्ता भी खत्म कर दी। उसने यूरोपीय अफसरों की मदद से पश्चिमी मॉडल के आधार पर एक शक्तिशाली फौज का गठन किया और उसे आधुनिक हथियारों से सुसज्जित किया। उसने एक आधुनिक शस्त्रागार भी बनाया। मार्तंड वर्मा ने अपनी नई फौज का इस्तेमाल अपने राज्य को उत्तर की ओर बढ़ाने के लिए किया। परिणाम स्वरूप त्रावणकोर की सीमाएं जल्द ही कन्याकुमारी से कोचीन तक फैल गईं। उसने सिंचाई की अनेक व्यवस्थाएं की, जैसे संचार के लिए सड़कें और सिंचाई के लिए नहरें, तो वहीं दूसरी तरफ विदेश व्यापार को सक्रिय प्रोत्साहन दिया। केरल के तीन बड़े राज्यों कोचीन, त्रावणकोर और कालीकट ने 1763 तक सभी छोटे रजवाड़ों को विलीन या अधीन कर लिया।
हैदर अली ने केरल पर अपना आक्रमण 1766 में शुरू किया और अंत में कालीकट के जमोरिन के इलाकों सहित कोचीन तक उत्तरी केरल को हड़प लिया। 18वीं सदी में मलयाली साहित्य में एक असाधारण पुनर्जीवन देखा गया। यह अंशतः केरल के राजाओं और सरदारों के कारण हुआ जो साहित्य के महान संरक्षक थे। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में त्रावणकोर की राजधानी त्रिवेंद्रम संस्कृत विद्वता का एक प्रसिद्ध केंद्र बन गया। मार्तंड वर्मा का उत्तराधिकारी राम वर्मा स्वयं कवि, विद्वान, संगीतज्ञ, प्रसिद्ध अभिनेता और सुसंस्कृत व्यक्ति था। वह अंग्रेजी में धारा प्रवाह बातचीत करता था। उसने यूरोप के मामलों में गहरी दिलचस्पी ली। वह लंदन, कलकत्ता और मद्रास से निकलने वाले अखबारों और पत्रिकाओं को नियमित रूप से पढ़ता था। धन्यवाद। ये एपिसोड हमारे व्यूअर को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए जिससे हमारे नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस एपिसोड से जुड़े बोनस पॉइंट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाएं, जहां हमने अपने प्रयास से सभी तथ्यों को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत कर दिया है। नमस्कार।